इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिलहाल आजम खान पर जिस तरह से तंज कसा जा रहा है और चारों तरफ से उन्हें किस तरह से घेरा जा रहा है, आखिर आजम खान के ही पीछे क्यों लगे? क्योंकि वो आजम खान है। नाम में क्या रखा है आजम खान साहब? आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक मौलाना मोहम्मद जौहर के नाम पर कड़ी मेहनत और कठिनाइयों से लड़ते हुए एक आलीशान इदारा कायम किया है। आपको नथुराम गोडसे या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आरएसएस शाखा खोलना चाहिए था। आपका सबसे बड़ा जुर्म यही है कि आप सामाजिक और इल्मी तौर पर पिछड़े हुए अकलियतों के तरक्की के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। आपको सरकार से करोड़ों रुपये लेकर किसी गौशाला का निर्माण करना चाहिए था, जनसेवा आश्रम खोलना चाहिए था, एक और जहां कसीर तादाद से चुनी हुई हिंदुत्ववादी सरकार मुसलमानों को हाशिए पर धकल रही है, आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सर सैयद के सपनों को साकार करने में लगा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि आप भी दूसरी कौमों की तरह, दलाली की तरह भाजपा या मुस्लिम मंच को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। आज देश की सरकार जहां गोरक्षा और मॉब लिंचिंग जैसे शानदार कामों को बढ़ावा दे रही है, आप जिद पकड़े हुए कि मुल्क के 25 करोड़ मुस्लिम आबादी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को जदीद इल्म फराहम कर दिया जाए। यानी कि आप किस तरह की जिद कर रहे हैं और देश किस तरफ जा रहा है, और यही वजह है कि आपके पीछे ये लोग पड़े हैं। एक और सरकार बलात्कारियों और आतंकवादियों को टिकट देकर एमपी एमएलए और मिनिस्टर बना रही है, और आप स्पीकर की आंखों में आंखें डालकर जायज सवाल पूछ रहे हैं। हद है आप जैसे कायद जो कई बार एमपी एमएलए और रियासत कैबिनेट कायद रह चुके हैं, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए अपनी संसद सदस्यता को भी खतरे में डाल रहे हैं। आपको दूरंदेशी भाजपाइयों से कुछ सीखना चाहिए, जो गौमूत्र से कैंसर को ठीक करने का दावा करते हैं, गोबर को कोहिनूर के हीरे की कीमत मानते हैं, मोर के आंसुओं से बच्चे पैदा करवाते हैं, बतख के तैरने से ऑक्सीजन निकलते हुए देखते हैं, गाय के पेशाब से माहौल को साफ होने का दावा करते हैं, और किससे कहानियों के यानी कि पौराणिक काल में इंटरनेट के होने का कयास लगाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी की खोज उसी दौर में होने के सबूत पेश करते हैं। आप भी कमाल करते हैं, आप भी कमाल के कायद हैं जो अपना अकाउंट स्विस बैंक में खोलने के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं। आपको पागल सनकी कहा जाए तो और क्या कहा जाए? आखिर इस देश में मुस्लिम बच्चा पढ़ लिख कर करेगा क्या, जबकि उसे भविष्य में यूएपीए टाड़ा कानून के तहत अपनी 20-25 साल की जिंदगी वैसे भी जेल में गुजारनी है। वो कौम आखिर इल्म क्या हासिल करेगी जिसके सर पर एनआरसी की तलवार लटकती हो? ऐसे मुश्किल हालातों में भी आप लड़ रहे हैं, यकीनन ये जालिम सरकार आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि हमें मालूम है आपकी नीयत और शख्सियत बिल्कुल बेदाग है। सरकारें आती जाती रहेंगी, उर्दू गेट जो आज तोड़ा जा रहा है यकीनन उसे आलीशान गेट बनवाकर आप मनवाएंगे भविष्य में, यानी कि मुस्तकबिल में। जब लोग आज के बुरे दौर का आकलन करेंगे तो आपसे यह सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता के काफिला क्यों लुटा, तुझे मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शुक्रिया इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।